हेलो फ्रेंड्स, तन्वीज क्रिएटिव किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने शेयर करने वाली हूँ वर्किंग वुमन्स और बैचलर्स के लिए इजी एंड क्विक रेसिपी, और वो भी माइक्रोवेव ओवन में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे पाव भाजी, जिसके लिए मैं लूँगी एक माइक्रोवेव से बोल, और उसमें डालेंगे करीबन 2 टेबल स्पून जितना ऑयल, 1/4 टीस्पून जीरा, और माइक्रोवेव हाई पावर लेवल पे 30 सेकंड के लिए इसे गर्म कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून पाव भाजी मसाला, मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज के टमाटर, 2 मीडियम साइज के आलू जिसका छिलका निकाल कर धोकर मैंने लिया है वो डालेंगे, 2 टेबल स्पून बीटरूट है जिससे कलर अच्छा आएगा और हमें कलर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1 टेबल स्पून गाजर, 1/2 कप ग्रीन पीस, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, 1 कप जितना पानी, इसमें बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती है, मिक्स कर लेंगे। चार मिनट के बाद हम देख लेंगे हमारी सारी सब्जियां हाफ कुक हो गई है, और अब हम फिर से ढक्कन ढक के 3 मिनट के लिए माइक्रोवेव हाई पावर लेवल पे रख लेंगे। 3 मिनट के बाद अब हम चेक कर लेंगे, फॉर्क डालेंगे। आप देख सकते हैं आलू अच्छी तरह से पक गया है और बाकी सारी सब्जी भी पक गई है, तो इसे साइड में रखेंगे। अब मैं लूंगी एक माइक्रोवेव से बॉल, 2 टेबलस्पून ऑयल, 1 टेबलस्पून बटर, 1 टीस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट, 1 टीस्पून हरी मिर्च, 1/2 कप बारीक कटी हुई प्याज, 2 टेबलस्पून शिमला मिर्च, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और माइक्रोवेव के हाई पावर लेवल पे 2 मिनट के लिए रखेंगे, हमें ढक्कन नहीं ढकना है। 2 मिनट के बाद हम देख लेंगे हमारा कैप्सिकम और प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। अब हम बॉईल की हुई सब्जी डालेंगे, जिसके पहले हम डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून पाव भाजी मसाला और कश्मीरी लाल मिर्च की पेस्ट डालेंगे, करीबन 1 टेबलस्पून, मिक्स कर लेंगे। अब हम बॉईल की हुई सब्जी डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे मैश करेंगे। मैश करने के लिए आप ये मैशर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं यूज करेंगे, हम ब्लेंडर यूज करेंगे, क्योंकि मैशर से थोड़ी ज्यादा देर लगती है और ब्लेंडर से फटाफट हो जाता है। इसी तरह सभी वेजिटेबल्स को हमें मैश करना है। आप देख सकते हैं हमारी भाजी बिल्कुल अच्छी तरह से मैश हो गई है और फटाफट मैश हो गई है। हमें बिल्कुल पेस्ट नहीं बनानी है, ऐसी कंसिस्टेंसी रखनी है। थोड़ा सा पानी डालेंगे और ढक्कन ढककर 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रख लेंगे। हमारी बहुत ही टेस्टी पाव भाजी बनकर तैयार है, फटाफट बन गई है, तो चलिए सर्व कर लेते हैं।
फ्रेंड्स, अगर आप हाउसवाइफ है या तो यंगस्टर है और आपको घर बैठे बिना किसी इन्वेस्टमेंट के बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप मीशो ऐप डाउनलोड कीजिए। मीशो ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। अब बनाएंगे मैक्सिकन राइस, जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक माइक्रोवेव से बोल, जिसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल, 1 टीस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन, 1 टीस्पून बारीक कटा हुआ अदरक, 1/2 कप बारीक कटी हुई प्याज, 1/2 कप बारीक कटा हुआ कैप्सिकम मिक्स कर लेंगे। माइक्रोवेव हाई पावर लेवल पे 1 मिनट के लिए रखते हैं और हमें ढक्कन नहीं ढकना है। 1 मिनट के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून काली मिर्च, 1/4 टीस्पून मैक्सिकन सीजनिंग, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी ओरेगानो, 1 टेबलस्पून टमाटो केचप मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 कप चावल। ये चावल को मैंने 1 घंटे पहले धोकर भिगो के रखा था, तो वो डालेंगे। 1/2 कप जितना पानी डालेंगे, स्वाद के अनुसार नमक मिक्स कर लेंगे। और ढक्कन ढककर माइक्रोवेव के हाई पावर लेवल पे 4 मिनट के लिए रख लेंगे। चेक कर लेंगे, हमारा राइस 1/2 कुक हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप बॉईल किया हुआ राजमा। अगर आपके पास राजमा नहीं है तो आप बेक बीन्स भी यूज कर सकते हैं। 3 टेबलस्पून बॉईल किया हुआ मकई का दाना मिक्स कर लेंगे। और माइक्रोवेव हाई पावर लेवल पे ढक्कन ढककर 3 मिनट के लिए रख लेंगे। ढक्कन खोलकर चेक कर लेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे चलाकर ढक्कन ढककर माइक्रोवेव के हाई पावर लेवल पे 4 मिनट के लिए रख देंगे। हम चेक कर लेंगे और ये देखिए, हमारा बहुत ही मज़ेदार मैक्सिकन राइस बनकर तैयार है। तो चलिए सर्व कर लेंगे। तो आप ये सब क्विक एंड इजी रेसिपीज घर पर बनाइए, खाइए। और अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं अगले हफ्ते ऐसी ही कुछ नई और क्रिएटिव रेसिपी लेके आपके सामने आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।